नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं कौन? मैं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको मेरी बातें या मेरी कोई भी सलाह पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो सावन से जुड़ा हुआ है। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बारिश होती है। शिव शंकर की पूजा करनी किसको अच्छी नहीं लगती? शिव ही तो एक ऐसे देवता हैं जो परिवार के रूप में है, जहाँ पर दो बेटे हैं, जहाँ सेवक हैं, जहाँ उनकी पत्नी है, वो है, फिर भी वो सांसारिक जीवन में नहीं है। अपने पूरे जो अपनी पूरी बॉडी पर वो सिर्फ भस्म लगाकर पहाड़ों के बीच में रहते हैं, कोई खास कपड़े नहीं पहनते हैं, उनका कोई अपना घर महल नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके और हमारे सांसारिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर मनपसंद पति चाहिए तो 16 सोमवार रखने होते हैं। पति के और आपके बीच में मुठभेड़ हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, तो कोई भी ज्योतिष आपसे कहता है शिवलिंग की पूजा करो, शिव पर जल चढ़ाओ, है ना, तो कहीं ना कहीं शिव आपके और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। मैं आज बात करूंगी इस वीडियो में पूरे सावन के महीने की। ऐसा नहीं है कि सावन के सोमवार की, सावन के सोमवार क्यों, मैं तो कहती हूँ पूरे 30 दिन आपको व्रत रखना चाहिए, अगर आप व्रत रख सकें तो, शरीर इस बात की अनुमति दे तो। सावन के महीने में एक समय का भोजन करना चाहिए, दही और कड़ी का सेवन तुरंत छोड़ देना चाहिए। सावन के महीने में कड़ी नहीं खाते, आपको सावन के महीने में विभिन्न चीज़ों का दान करना चाहिए। आपके घर के आसपास सांप, बिच्छू, कीड़े निकलने की जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब उनके बिलों और उनके घरों में पानी भर जाता है तो वो हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं। ऐसे में किसी भी ऐसे जीव जंतु को मारिए मत, पकड़कर बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए। सावन के महीने में इन सब को शिव का गण कहा जाता है। सावन के महीने में केवल सोमवार वाले दिन नहीं, हर रोज शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाने से आपका चंद्रमा बढ़िया और मजबूत होता है, आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन केवल चंद्रमा को जल देने से ही आपका रिश्ता आपके परिवार के साथ मजबूत और बढ़िया नहीं होता, आपकी बोली में मिठास होनी चाहिए। आपको पता है जो शहद होता है ना, वो 100 साल तक ख़राब नहीं होता अगर आप उसे एक बोतल में भरकर रख दें। तो सोचिए एक शहद जैसी मीठी बोली आपके रिश्तों को कितने करीब लेकर आ सकती है। लेकिन मिठास ना सिर्फ बोली में नहीं होनी चाहिए, दिल में भी होनी चाहिए। रिश्तों के प्रति माफ़ी मांगना और माफ़ करने की आदत इंसान को आनी चाहिए। सावन के महीने में वो 5 पावन चीज़ें जो आपको करनी है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, अपने खाने की कोई भी एक चीज़ छोड़ दीजिए। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि जो ज़मीन में सब्जियां उगती हैं, जैसे कि आलू, जैसे कि बैंगन, जैसे कि घिया, इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जैसे अगर आपको राजमा बहुत पसंद है तो पूरा एक महीना सावन में आप मत खाइए। शिव शंकर के लिए वो मनपसंद चीज़ छोड़ दीजिए, और बल्कि उसे खरीद कर बाजार से या बनवा कर लोगों को ज़रूर खिलाइए। इसे कहते हैं तपस्या। देखिए वो ज़माना तो रहा नहीं कि हम हिमालय पे परिवार वालों को छोड़कर जाएं, कोई तपस्या करें, कोई जाप करें, कोई मंत्र पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन हम अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़कर, भगवान के लिए छोड़कर, कि हमने सावन के महीने में एक खास चीज़ छोड़ी है, तो भगवान के बहुत करीब आ सकते हैं हम, आपको उनका भरपूर आशीर्वाद मिल सकता है। तो सबसे पहले अपनी मनपसंद माइंड इट, वो आइसक्रीम भी हो सकती है, वो चाय भी हो सकती है, वो कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ छोड़ें वो मनपसंद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपनी मनपसंद खाने की कोई एक चीज़ छोड़ें, फिर पहनने की कोई एक चीज़, जैसे आपको बालों में क्लचर लगाने की आदत है, या आप जीन्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं, या आप सूट बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो पूरे मंथ आप साड़ी पहन लीजिए, सूट मत पहनिए, जीन्स ना पहनकर पैंट्स पहन लीजिए। या आप मेरी बात करें तो मैं सावन के पूरे एक महीने पैरों में चप्पल नहीं पहनती, जी मैं खड़ाऊ भी नहीं पहनती। मैं अपनी मनपसंद चीज़ चप्पल है, मुझे चप्पलें पहनने का बहुत शौक है, तो मैं पूरा 1 मंथ चप्पल छोड़ देती हूँ। तो आप भी पूरे एक महीने अपने खाने और पहनने की कोई भी एक चीज़, जैसे घड़ी छोड़ सकते हैं, उससे भी अच्छी चीज़ है फ़ोन छोड़ सकते हैं। छोड़ पाएंगे फ़ोन? व्हाट्सएप के बिना एक महीना, या फेसबुक के बिना आप रह पाएंगे? तो अपनी कोई भी मनपसंद एक चीज़ आपको छोड़नी होगी, इससे आपका, आपने त्याग किया। कलयुग में त्याग बहुत बड़ी चीज़ है, कौन कर सकता है? आप 5 मिनट अपने घर के दरवाजे से बाहर तक जाकर देखिए बिना चप्पल के, कसम से नानी याद आ जाएगी। तो बहुत बड़ा त्याग है ये, आप कर देखिए उसका फल आपको कितना मिलता है। लेकिन मन से इसे गाइए मत, इसे किसी पर एहसान मत जताइए, ऊ चोट लग गई, ऊ पैरों में दर्द हो रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मन से छोड़ा है तो मन से चीज़ों को कीजिए। सावन में दही को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सावन में बहुत ज़्यादा इत्र लगाइए, इत्र गुलाब का और चंदन का हो सकता है। सावन के पावन महीने में दिल खोल कर दान कीजिए, कॉपी किताबों का, खाने पीने का, पहनने की चीज़ों का, दूसरों को भोजन कराने का, शिव शंकर की पूजा कीजिए। और सावन के पावन महीने में 5वीं और सबसे खास बात, अपने घर में शिव पुराण का पाठ करवाइए। अगर नहीं करवा सकते तो कम से कम घर के अंदर कोई कीर्तन या माता की ज्योत या सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवाइए। सावन के इस पावन महीने में इन चीज़ों को कर देखिए। हर रोज़ शिव शंकर के मंदिर जाकर भोलेनाथ पर 1 रुपये का सिक्का चढ़ा कर आइए,
आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार।